नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेकी टीवी के इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स के बारे में। विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स बेसिकली एक छोटा सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 8 में हमें देखने को मिल जाता है। तो विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स बेसिकली करता क्या है, हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड है, जो भी ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है, उन्हें देखता है, वेरीफाई करता है, और उसके बाद हमारे कंप्यूटर में हर एक इंस्टॉल्ड किए हुए हार्डवेयर को देखता है, वेरीफाई करता है, और उसके बाद ओवरऑल एक रेटिंग देता है हमारे कंप्यूटर को, जिसके ज़रिए हम लोग पता लगा सकते हैं हमारा कंप्यूटर परफॉर्मेंस के मामले में कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो यहाँ पे विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स को बेसिकली हमें खुद ब खुद रन करवाना पड़ता है, ये अपने आप रन नहीं होता। अगर बात करें रेटिंग के बारे में तो विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स हमें 1.0 से लेके 7.9 के बीच में हमारे कंप्यूटर को एक रेटिंग प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं हमारा कंप्यूटर किन किन मामलों में परफॉर्मेंस अच्छा देगा और किन किन मामलों में परफॉर्मेंस उतना भी बेटर नहीं देगा। तो यहाँ पे विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स को रन करवाने के लिए सिंपली हमें अपना स्टार्ट बटन क्लिक करना पड़ता है यहाँ पे कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे कंप्यूटर नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें सिंपली राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्लिक कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्लिक कर दिया है और उसके बाद हमारा जो सिस्टम विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें अपने विंडोज वर्जन के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है और हमारे प्रोसेसर के बारे में भी हमें अपना इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे सिस्टम नाम का एक ऑप्शन है, जिसके नीचे एक रेटिंग नाम का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिस्टम रेटिंग इज नॉट अवेलेबल। तो इसके ऊपर सिंपली हमें क्लिक करना है। तो मैं अभी इसके ऊपर करता हूँ एक बार क्लिक और ये जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग अभी विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स के पेज में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है दो कॉलम बेसिकली, जिनमें सबसे पहला है कंपोनेंट और दूसरा है व्हाट इज़ रेटेड। कंपोनेंट मतलब ये बेसिकली किन किन कंपोनेंट को हमारे कंप्यूटर में स्कैन करेगा और वेरीफाई करेगा, और व्हाट इज़ रेटेड का मतलब है उन कंपोनेंट्स को ये कैसे वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो प्रोसेसर है, रैम है, ग्राफिक्स कार्ड है और गेमिंग ग्राफिक्स है, इसके अलावा भी यहाँ पे हार्ड डिस्क भी है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एकदम ऊपर वाले एक ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ हमें रेट दिस कंप्यूटर नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करें तो फिर विंडोज़ एक्सपीरियंस इंडेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमारे पीसी के कंपोनेंट्स को या फिर सॉफ्टवेयर्स को वेरीफाई करना और स्कैन करना शुरू कर देगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे किया है एक बार क्लिक और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पूरा विंडोज़ 7 का जो थीम था वो चेंज होकर विंडोज़ बेसिक में चला गया है और अभी पूरा स्कैन और वेरीफिकेशन का पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये सबसे पहले हमारा जो ग्राफिक्स है उसे टेस्ट कर रहा है विंडोज़ एरो से, उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक कंपोनेंट को ये स्कैन करेगा और वेरीफाई करेगा और ओवरऑल हमें रेट बता देगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, 20 से 15 मिनट ये लेता है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप देखते रहो ये स्कैन कैसे करता है दोस्तों। तो ये स्कैन अभी हो रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि मैंने इस वीडियो को कर दिया है बहुत ज़्यादा फास्ट, और देखते हैं ये कैसे आखिर में हमें क्या रेटिंग देखने को मिलता है हमारे कंप्यूटर का। तो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, चलो ख़त्म होने ही वाला है मेरे ख्याल से। तो ये स्कैन ख़त्म हो चुका है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोग रेटिंग देख सकते हैं ओवरऑल 4.5 है, जो कि मेरे ख्याल से एक एवरेज पीसी का परफॉर्मेंस होता है और एक एवरेज पीसी का रेट कुछ 4.5 या फिर 5 के बीच में ही रहता है। अब अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे प्रोसेसर को जो रेटिंग या फिर सबस्कोर मिला है वो 7.2 हमारे पास है, इंटेल का i3 फोर्थ जनरेशन वाला प्रोसेसर, तो उसके मामले में 7.2 हमें यहाँ पे सबस्कोर देखने को मिलता है प्रोसेसर में। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रैम के बारे में, तो हमारे कंप्यूटर में अभी 4GB का DDR3 रैम है, तो उस मामले में हमें यहाँ पे 7.7 रेटिंग मिली है, जो कि एक बहुत अच्छा रेटिंग है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे ग्राफिक्स के मामले में, तो यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़ा सा डाउन है हमारा, जहाँ पे हमें 4.5 सबस्कोर देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा एवरेज से भी थोड़ा सा डाउन है। इसके अलावा अगर बात करें गेमिंग ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें 4.6 सबस्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ी सी अच्छी हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। और अगर बात करें ओवरऑल हार्ड डिस्क के बारे में, तो हमारा जो प्राइमरी हार्ड डिस्क है वो है 2 TB का, तो हमारे हार्ड डिस्क को विंडोज एक्सपीरियंस इंडेक्स ने जो सबस्कोर प्रोवाइड किया है वो है 6.7 का दोस्तों। तो दोस्तों यही था मेरे कंप्यूटर का रेटिंग या फिर परफॉर्मेंस रेटिंग। अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फिर अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 या फिर विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर आप लोग भी जरूर अपने घर में इस टेस्ट को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कंप्यूटर में जो सबस्कोर है वो आखिर कितना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर इस वीडियो को सर्व से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी देखने की इच्छा है। तो फिर तो बस आज के लिए वीडियो खत्म, मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।